तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाला है छत्तीसगढ़ बालोद के तहत जो है कलेक्टर ऑफिस में जो है 92 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें कुछ नीचे स्तर की वैकेंसी है, जैसे कि इसमें कर्मचारी, हवलदार, ड्राइवर, इस तरह का कुछ पोस्ट है। इसमें टोटल 92 पोस्टों की वैकेंसी है। इसका अप्लाई प्रोसेस क्या है, फ़ी क्या है, आपको एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मैं सारा चीज़ बताऊँगा। यहाँ तक कि जो है डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों का लिंक दे देंगे। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन को आप सही से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले मेरा वीडियो आपको सही लगे, यानी आपको लगे कि मैंने आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा, आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए चलते स्क्रीन पर और देखते हैं कि बालो छत्तीसगढ़ कलेक्टर ऑफिस के तहत जो 92 पोस्टों की वैकेंसी आई है, इसे आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में किसी एक पे जाना है। आने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना है balodgov.in लिख जैसे सर्च कर लेंगे, फर्स्ट में जो मेंशन किया दिया रहा है इस पर क्लिक करके आप ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे आ चुके हैं, बलोद का देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको हम बताने वाले हैं कि बलोद छत्तीसगढ़ कलेक्टर ऑफिस की तरह जो 92 पोस्ट में जो वैकेंसी आई है वाकई में है या नहीं है, इसका एज क्या है, लास्ट डेट क्या, मैं सारे जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर ऑफिस में जो वैकेंसी आई है, तो आपको हम बता दें इसका स्टार्टिंग देख सकते हैं 29 मई से स्टार्ट हो चुका है, और सर लास्ट डेट देख सकते हैं 12 जून तक इसका लास्ट डेट है, यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो है फॉर्म आप जल्द से जल्द भरना स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाने के लिए व्यू 4 MB का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जो है ओपन कर लेंगे। हम जो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक, यानी कि इसका लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों का लिंक दे देंगे। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन को सही से पढ़ने के बाद, अपना क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो है कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद के तहत छत्तीसगढ़ के तहत आता है, इसमें जो है 92 पोस्टों की वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट के हम सारा चीज़ बताते हैं। देख सकते हैं कि इसमें जो है 27 पोस्ट है, इधर 9 पोस्ट है, टोटल जब देख ऐड कर लेंगे आपको 92 पोस्ट मिल जाएगा। देखिए आप जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे सहायक ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको आपका जो है 12th पास होना चाहिए, और स्टेनो टाइपिंग के लिए जब अप्लाई करना चाहिए इसमें भी 12th पास होना चाहिए। वाहन चालक के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 8वीं आप पास होना चाहिए। मृत पद के लिए अगर अप्लाई करना है 5वीं पास होना चाहिए। अर्दली पद के लिए 5वीं पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी 5वीं पास होना चाहिए। फारस के लिए भी 5वीं पास होना चाहिए। प्रोसेसर सर्वर के लिए जो 5वीं पास होना चाहिए, तभी फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब देख लिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपना क्वालिफिकेशन देख लेंगे। 5वीं से लेकर जो है 12th पास के बीच वाले लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं ये डी ग्रेड यानी सबसे छोटा पद की ये वैकेंसी है, यानी कि 92 पोस्ट की वैकेंसी है। और यहाँ पे एज यानी एज लिमिट की बात किया जाए, आपका जो एज है 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए तो ही फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। और इस फॉर्म में जो फी का जो है बात कहीं भी नहीं कहा गया है, अगर आप फॉर्म भरते हैं देख लेंगे, ऐसा तो कहीं हम मैंने तो PDF को देख लिया तो कहीं भी फी की बात नहीं कही गई है। तो फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा बैक आ जाना है। बैक जैसे आ जाएंगे यहाँ तो मेंशन किया गया है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक है, इस पर क्लिक करके आपको ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ओके का ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे आपको सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं अप्लाई का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो सर यहाँ पे बोल रहा है इंटरव्यू एप्लीकेशन आईडी नंबर और डेट ऑफ बर्थ, आपके पास है तो फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो फॉर्म को आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन से जो है क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से जैसे आ जाएंगे आवेदन भरे पे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ सारा जानकारी दे सकते हैं, दे दिया गया है आप किस पद के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी डिटेल्स मांगा जाए सबमिट कर लेंगे और आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। आई होप मुझे बताना था कि बालोद छत्तीसगढ़ के तहत जो है 92 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है, इसका लास्ट डेट 29 मई से 12 जून तक इसका लास्ट डेट है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा, आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह का वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसे जानकारी ले पाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ये वीडियो वैसे लोगों तक पहुँचा देंगे जो लोगों को जो है कलेक्टर ऑफिस में जॉब की तलाश थी, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं किसी और वैकेंसी के साथ, धन्यवाद।